अगर हमारी तवज्जो अल्लाह की रहमत की तरफ हो जाए तो मेरे नबी पाक ने फरमाया तू रब के बारे में जैसा गुमान करेगा अल्लाह भी तेरे लिए वैसा ही बन जाएगा, अल्लाह वैसा बन के तुझे नवाजेगा। अगर तेरा ये ज़हन बन जाए ना कि जो अल्लाह मुझे देगा वो मुझे ही देगा, तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे बढ़कर तुझे ही अता फरमाएगा। लेकिन उम्मीद रब करे और उम्मीद रहमत की, उसके करम की, उसकी अता की। हाँ, एक पहलू जरूर सोच के रखना चाहिए इस मौजू पर। सारी दुनिया निकम्मा कह दे तो बेटा माँ बाप के नजदीक निकम्मा नहीं होता। बाप बेचारा एक गलती का बच्चा करता है तो वो जाता है, दूसरी करता है तो जाता है, तीसरी जगह भी उसकी उसके हिस्से की माफी मांगने जाता है, बड़ा कुछ करता है। फिर एक वक्त आ ही जाता है कि जब बाप मजबूर हो के अखबार पे इश्तेहार देता है कि मैंने इसे आग कर दिया है, अब मैं इसके स्याह सफेद का मालिक। क्या ख्याल है आपका, पहली गलती पे अब्बा जी ऐसे कर देते हैं जी, दूसरी पे करते होंगे, कब करते हैं? जब बोले, जब हद हो जाती है। और एक दो इश्तेहार नहीं होते, आप सवेरे अखबार खोलें, अखबार के अंदर के सफात का मुताला करें तो शायद दर्जनों इश्तेहार होते हैं आंख नामे के। भाई किस बाप का दिल करता है कि वो बेटा जिसके लिए उसकी उम्मीद है कि कल मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो लिख के दे दे कि मेरा रिश्ता ही कोई नहीं बेटे के साथ, किसका दिल करता है? और फिर यहां तक नहीं होता, बल्कि आप कानून जानने वाले लोगों से कभी पूछें, वो आकनामा लोग अदालतों में जमा कराते हैं, कहते हैं जी मैंने तो अखबार में निकाल दिया, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक, अम्मा कहती है मेरा कोई रिश्ता नहीं। क्यों, कब होता है ऐसे? जब बच्चा हद कर दे, जब बच्चा एक दो तीन चार गलतियों पर ऐसा, अल्लाह भी बंदे को सजा देता है, लेकिन कब? जब बंदा बाज ही ना आए, बंदा तौबा करे ही ना, रुजू ही ना करे, सोचे ही ना कि मुझे अल्लाह की बारगाह में जाना चाहिए। हम लोग अपना एक ज़हन बना के जिंदगी गुजारते हैं, एक ज़हन बना के, बल्कि लोग गुनाहों के नाम बदल बदल के वक्त गुजारते हैं। हम अपने नफ्स का बुत बना के सारा वक्त उसी की पूजा पे माज अल्लाह लगा देते हैं, बस ये ठीक है, ये ठीक है और ये ठीक है, चौथी बात सही कोई नहीं। इसी के अंदर हम उलझे रहते हैं मेरे भाई, रहमत इलाही का गलत तसव्वुर अपनाते हैं। ओ मेरे भाई, किसी बंदे की मजबूरी तो माफ होती है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के ज्यादती करे तो वो माफ, उसकी माफी जिस बच्चे को पता हो ना उस्ताद को कि इसके वाकई घर में फौतगी हो गई थी, उस्ताद उसे सलाह नहीं देता। जिसका पता हो कि वाकई ये बीमार था तो उस्ताद उसे क्लास में खड़ा नहीं करता। जिसका पता हो कि ये ज्यादती कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, उस्ताद उसे डंडों से मारता है और ज्यादा मारता है, कहता है तू नलायक है, तू जानबूझ के करता है। मेरे भाई, अल्लाह की रहमत रहमत है, हर एक पे बरसती है, लेकिन एक बंदा खड़ा ही हो जाए रब के मुकाबले में, वो ना नमाज पढ़े, ना मस्जिद आए, ना कोई काम करे, ना वो दीन की तरफ तवज्जो करे, ना वो कभी अल्लाह से इस्तिगफार करे, ना वो कभी जायज काम की तरफ तवज्जो करे, सारी जिंदगी हराम इकट्ठा करे, नाजायज करे, तो अब तूने हद कर दी। तेरे पास गजब आया नहीं, बल्कि तूने गजब को आवाज दी है, तूने अल्लाह के गजब को, बोलिए अल्लाह के गजब को, गजब होना और होता है और गजब को आवाज देना, बोलिए गजब को आवाज देना, इनमें फर्क है मेरे भाई, याद रखें। हम आवाज देते हैं गजब को, गजब होता नहीं। देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये हदीस आपने याद रखनी है, ये याद रखनी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बहुत कम लोगों को बेवकूफ कहा है। हमारे जमाने में तो आम लफ्ज है ना बेवकूफ कहना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कम लोगों को बेवकूफ कहा। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अहमक है, वो बेवकूफ है, नबी पाक फरमा रहे। और मैंने कहा कम लोगों को हुजूर बेवकूफ कहते थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बंदा बेवकूफ है जो सारा दिन अल्लाह की नाफरमानी करता है और फिर भी रब की रहमत की उम्मीद करता है, तो बेवकूफ है। सुबह से शाम तक लगा हुआ है, मैंने नहीं अल्लाह माननी, मैंने नहीं तेरी माननी, माज अल्लाह मैंने नहीं माननी, शाम होती है तो कहता है अल्लाह बड़ा मेहरबान है बख्श देगा, तो बेवकूफ है, तू बेवकूफ है, तू बताना क्या मजबूरी थी नमाज ना पढ़ने की, किसने तुझे गन पॉइंट पे कहा था हराम खाने को, और फला आदमी की तूने गीबत की तो तेरा उसमें क्या फायदा था, ये जो तूने सिर्फ 10 बंदों को हंसाने के लिए झूठा लतीफा सुनाया इसमें तेरा क्या नफा था। तू सुबह से शाम तक नाफरमानी करता है, शाम को कहता है अल्लाह करीम है माफ कर देगा, अल्लाह मेहरबान है माफ कर देगा। उस्ताद मेहरबान होता है कि नहीं, फेल क्यों करता है इम्तिहान में? बोले उस्ताद बाप होता है ना, उसका दिल करता है शागिर्द फेल हो जाए तो क्यों करता है, लेकिन शागिर्द ने ज्यादती की, उसने पढ़ा नहीं, उसने
मैंने कहा बाप आकनामा लिखवाता है, मजबूर होकर लिखवाता है ना। ओ भाई याद, बड़ी प्यारी मिसाल मुल्ला रूमी लिखते हैं, कहते मेरे गांव की एक बीबी थी, उस बीबी ने एक बछड़ा पाला हुआ था। देहातों में ना बूढ़ी माएं बछड़े को पेड़ा देती थी और नाम भी रख लेती थी, किसी ने मिठू नाम रखा होता था, किसी ने कोई नाम। कहते माँ ने बछड़ा रखा हुआ था, अम्मा उसको आवाज देती तो बछड़ा दौड़ा आता, अम्मा उसको पेड़ा खिलाती। बछड़ा बड़ा प्यारा था, जवान हो गया। अम्मा इसलिए बछड़ा पाल रही थी कि जब बछड़ा बड़ा हो जाएगा तो हाल के अंदर बच्चे उसे लगाएंगे, खेती में हाल चलाएंगे। बछड़ा बड़ा हो गया, अम्मा के बेटे कहने लगे अम्मा ला, तूने बड़ा खिलाप ला लिया, इसे कोई काम लेते। हाल के आगे लगाया तो कहने लगा मैंने तो नहीं चलना। अम्मा के पास आए, कहने लगे ये नहीं चलता। अम्मा कहने लगी चलो टाइम दो, थोड़ा समझ जाएगा। फिर मौका दिया, फिर आए, कहा अम्मा तो हमने उसके नाक में नकेल भी डाल दी है लेकिन अब भी ये हाल में चलने को तैयार है। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फिर कहा अम्मा से, अम्मा कहने लगी चलो थोड़ा टाइम और दे दो, सियाना हो जाएगा। थोड़ा टाइम और दिया, डंडे भी मारे लेकिन वो सियाना होने को तैयार है। अब अम्मा के पास आए तो अम्मा मजबूर हो गई, दिल नहीं करता था। कहने लगी जाओ फिर कसाई के हाथ बेच डालो। वो गया कसाई के पास, उसे काटा गया, उसकी खाल उतारी गई, उसके छोटे छोटे पीस करके खा गए लोग। वो मार हो रही थी, लोगों ने अम्मा से कहा तुझे तो बड़ा प्यारा था, तूने कटवा को दिया। तो अम्मा कहने लगी प्यारा तो बड़ा था पर मानता नहीं था, प्यारा बड़ा था, काश बात मानता, मकसद पूरा करता तो कभी भी काटा। भाई रब करीम नहीं चाहता बंदा दोजख में जले, अल्लाह की रहमत नहीं चाहती जहन्नम में जले, पर बंदा मानता ही नहीं, ये तैयार ही नहीं होता। ये सोया हुआ है सवेरे, ये वो गप्पे लगा रहा है, सर के वक्त चौराहे पे खड़ा है, नमाज पढ़ने नहीं आया। इसने सारी जिंदगी में दर्जनों लतीफे सीख लिए, हजारों कहानियां सीख गया, कुरान पाक पढ़ना नहीं सीखा। इसने जिंदगी की हर चालाकी सीख ली है, नहीं सीखी तो अपने रसूल की हदीस नहीं सीखी, नहीं सीखा तो दीन की जरूरी बातों को नहीं सीखा। अब रब की रहमत तो नहीं चाहती कि बंदा जहन्नम में जाए, वो तो मेहरबान है, लेकिन रब करीम का कानून का तकाजा यह है कि जो अहकाम पूरे नहीं करेगा उसे फिर दोजख में ढाला जाएगा। तो हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे असल बात यह है कि अल्लाह नहीं मुसलमान को दोजख में डालना चाहता, मुसलमान अपनी मर्जी से छलांगे लगा रहे, ये खुद छलांगे लगाता, ये बाज नहीं आता। आप यकीन करें बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े खुलूस के साथ और बड़ी दयानतदारी से, तजर्बे की बात अर्ज करता हूं, हमारे बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिन गुनाहों का हमारी दुनियादारी को भी कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हमारी दुनिया को भी उस गलती का। मेरी बातों की समझ आ रही है आप दोस्त? कुछ गुनाह ऐसे हैं, एक तो होता है कि दुनिया को, दुनिया का कोई फायदा हो, उस गुनाह में हमारी दुनिया का भी कोई फायदा। जो आदमी झूठे लतीफे सुनाता है, झूठ बोलता है, झूठ कोई फायदा नहीं उसे, लोग 10 मिनट हंसते हैं और बाहर जा कहते हैं यार ये तो कोई गैर संजीदा आदमी है, वोकल ही नहीं, क्या फायदा कमाया उसने, क्या नफा लिया उसने। जो आदमी बढ़ बढ़ के बातें करता है, 2, 4, 5, 10 आदमियों की कीमत कर जाता है, लोग कहते हैं यार बड़ा चुगलखोर है, क्या कमाया उसने जिंदगी में, कुछ हासिल कर लिया उसने। हमारे बहुत सारे गुनाह मेरे भाई वो है जिनका हमारी दुनिया को भी कोई फायदा नहीं, तो क्यों ना हम उन गुनाहों को छोड़ दें ताकि हमारे दीन को तो फायदा हो जाए, दीन को तो फायदा हो जाए। सिर्फ जुबान के जायके हैं, कुछ देर के लिए हमारी तबीयत के तकाजे हैं, 10 मिनट की मुस्कुराहट है जिसके लिए हम अल्लाह तबारक व तआला का कानून तोड़ते फिर जा रहे हैं। मेरे हबीबे करीम अलैहि सलाम ने मुसलमान को कहा है कि तेरा रब तो चाहता है कि बस तू आ जा, वो तुझ पे रहमत नाजिल कर देगा। आना तो शर्त है कि नहीं, आना तो शर्त है कि नहीं। अच्छा चले ये बताएं, जो आदमी यकम से लेकर 31 तारीख तक ड्यूटी करे उसको तनख्वाह लेने जाना पड़ता है कि तनख्वाह घर आ जाती है, बोल के बताएं? फिर भी जाना पड़ता है, वो कहे मैंने ड्यूटी पूरी की है, फिर भी जाना पड़ता है। ड्यूटी पूरी करने के बावजूद तुझे तनख्वाह लेने, और हो सकता है कि ये भी कहा जाए अभी आई नहीं कल आना, हो सकता है ये भी कहा जाए परसों आना, ये भी मुमकिन नहीं कि फौरन। ओ खुदा के बंदे तू आता ही नहीं खुदा की रहमत लेने, तू उसके घर की तरफ रुजू ही नहीं करता, तू तवज्जो ही नहीं करता, तू कहता अल्लाह मेहरबान है। भाई मेहरबान तो है, तू रहमत लेने आया है, तूने को बहाना बनाया उसकी रहमत का। अल्लाह की रहमत कीमत नहीं मांगती, बहाना मांगती है, पर बता ना तेरा को बहाना है कि नहीं। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब कीमत का सवाल
और नहीं मांगता, यकीन करें नहीं मांग। बंदे कीमत मांगते हैं। आप 100 दफा मुस्कुरा के बात करें, एक दफा ना करें तो कहते हैं मौली साहब अमीर हो गए, अब तो सही सलाम भी नहीं लेते। एक दफा हो सकता है बेचारा पेट में दर्द हो रही हो सकता है घर की को बहुत बड़ी टेंशन हो सकता है कोई मजबूरी हो। बंदे हमा वक्त कीमत मांगते हैं, हमा वक्त आप तंदुरुस्त हैं, हर वक्त आप कीमत अदा करते हैं तो लोग राजी हैं। लेकिन रब कहता तू कोई कीमत ना दे, कोई बहाना ही बना ले, तेरा रब तुझसे राजी हो जाएगा। सुने बड़ी प्यारी हदीस, बड़ी खूबसूरत हदीस, कंजुल माल में दीगर कुतबे हदीस में है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, एक बाबा जी नबी पाक की बारगाह में आए और जब वो वापस जाने लगे तो मैंने उम्र पूछी तो उम्र थी 96 साल। कहते हैं बुजुर्ग जब आए ना तो ये भवे जो है ना उनकी सफेद होके तो यूं आंखों पे आ गई, बड़ी छड़ी बाबा जी ने पकड़ी हुई और दोनों हाथ पकड़ के ना छड़ी के ऊपर झुके हुए हैं, एक जानी कुर्बान जाऊं। कहते हैं जब वो बुजुर्ग मस्जिद में दाखिल हुए तो मेरे रसूल ने खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया, खड़े हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के बाबा जी को बाजू से पकड़ा और बिठाया, हुजूर बैठ गए। कहा बुजुर्गो कैसे आए हो? तो कहते हैं वो बाबा जी बात करते तो आंख खोल के पहले हुजूर का चेहरा देखते, फिर वो बात करते तो उनके लबो लहजे के अंदर बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ, बड़ी मायूसी। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, हुजूर जिंदगी सारी गुनाहों में बीत गई है, हुजूर गलतियां ही गलतियां, याद माजी अजाब है, यार अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। अल्लाह के रसूल बड़ी लंबी फहरिस्त है, पाप ही पाप है, काले से आ दफ्तर है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पलट के देखता हूं हुजूर मुझे नेकी दिखाई नहीं देती। हुजूर इस उम्र में आपका एक सहाबी मिला है, उसने बात समझाई है तो थोड़ा ख्याल आया है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरा वजूद बेकार हो गया है, हुजूर बूढ़ा हो गया। तीन बातें कही बुजुर्गों ने और निराली कही। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अब तो मेरी कमर भी सीधी नहीं होती कि मैं नमाज ही सही अदा कर सकूं, बूढ़ा हो गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं मेहनत मजदूरी करके सदके और खैरात दे सकूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं तलवार लेके जिहाद भी नहीं कर सकता। हुजूर ना मैं लंबी नमाजें पढ़ सकता हूँ आका, ना मैं सदकात और खैरात दे सकता हूँ महबूबा, ना मैं दीन के लिए कोई जिहाद कर सकता हूँ। बेकार वजूद है, बेकार बेकार वजूद को तो घर वाले बर्दाश्त नहीं करते, बच्चे दुआ करते हैं या अल्लाह अब्बा जी को पर्दा दे दे, अम्मा को पर्दा दे दे, बेकार हो गया हूं। और आज आया हूं तो मुझ बेकार को मेरा रब कबूल कर लेगा? आज कलमा पढ़ू तो बेकार हूं, किसी काम का नहीं, ना नमाज ना सदकात ना जिहाद, कबूल कर लेगा? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जैसे बरसात में बारिश की झड़ी लगती है, यूं मुस्तफा की आंखों से झड़ी लग गई। हुजूर खुल के रोए, खुल के, और मेरे हबीबे पाक ने फरमाया बुजुर्गो बड़े मुजाहद हैं, दीन के लिए जिहाद करने वाले बड़े हैं, रब करीम को आपकी तलवार की इतनी हाजत नहीं, और फरमाया उसके खजाने कोई खाली तो नहीं कि आप ही गोया सदका देंगे तो भरे जाएंगे, और फरमाया फिर रब करीम की शान में इजाफा नहीं करती इबादतें, वो तो बंदे को नफा देती हैं। मैं बुजुर्गो ना आप जिहाद करें, ना आप सदकात दें, ला लंबी नमाजें पढ़े, आप सिदक दिल से आ जाए, अल्लाह के रसूल का वादा है रब आपको बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा देगा। आना तो शर्त है कि नहीं? आए तो सही, ना पहुंचे तो सही, आ जाए उसको नहीं आ जाए सदका तो खैरात की जिहाद की तबलीग, आए तो सही ना। इन्ना लाबदा इजा तारफा सुम्मता बता बल्लाह अलैह, मेरे हबीब ने फरमाया बंदा जब रो के कहता है ना या अल्लाह गलती हो गई माफ कर दे, फरमाया मेरा मालिक उसे फौरन ही माफ फरमा देता है। तू आ तो सही, तू आता ही नहीं, तू आ ही नहीं रहा, तू घर में बैठा हुआ है, तू सोया हुआ है, तू दुकानदारी कर रहा है, तू पैसे गिन रहा है, तू आया ही नहीं, आ तो सही। बल्कि मेरे नबी पाक फरमाते हैं जब अल्लाह पाक का भागा हुआ गुलाम आता है फिर तो अल्लाह ज्यादा राजी होता है, फिर तो अल्लाह ज्यादा राजी होता है, ज्यादा राजी होता है, तू आ तो सही, पहुंच तो सही। बल्कि सूफिया तो और बात करते हैं, वो कहते हैं तू कभी भूल के भी रब रब करे तो अल्लाह तो उसे भी कबूल कर लेता है भूल के। मुल्ला रूमी कहते हैं बनी इस्राइल का बंदा है, सनम पत्थर को कहते हैं, बुत को कहते हैं, बुत के सामने खड़ा है और सारी रात कहता या सनम या सनम या सनम, ए पत्थर ए बुत, सारी रात पुकारता रहा। रात गहरी हो गई, नींद का गलबा थक गया, सोने के करीब आया तो गलती से मुंह से निकल गया या समद, या सनम की जगह निकल गया। रब करीम ने फरमाया जिब्रील दौड़ के जा,
जो मांगता है इसे दे दे। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं मौला भूल के तेरा नाम ले रहा है, भूल के ले रहा है। तो रब करीम ने फरमाया चल नाम तो मेरा ही ले रहा है ना, मेरा ले रहा है ना या अल्लाह। वो अल्लाह करीम ने फरमाया झूठे के सामने सारी रात का खड़ा है, सारी रात का पुकार रहा है, उसे कुछ नहीं मिला। तो सच्चे का नाम लिया है, अगर मैं भी कुछ ना दूं और बुत में और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा। जा जो मांगता है झोली भर के दे, नाम तो लिया है ना। ओ भाई तू बहाना तो बनाना, आ तो सही ना, तू यहां आ जा, पहुंच जा, आ जा बस बैठ जा, उसकी बारगाह नाज में हाजिर तो होना, तुझे फुर्सत ही नहीं। तू यारों के लिए टाइम निकालता है, बाजारों के लिए टाइम निकालता है, गलियों के लिए टाइम निकालता है, चौकों चौराहों के लिए टाइम निकालता है, हफ्ते में एक दिन होटलिंग के लिए भी जाता है, लेकिन कभी छुप के दो नफलों की तुझे तौफीक नहीं होती। और मैं कई दफा कह चुका हूं जिस बंदे को बगैर इबादत के रिजक ज्यादा मिलने लग जाए उस पर आजमाइश होती है रब करीम की। अल्लाह फरमाता है इसको पैसे दो इसे आने ना देना, इसको को चल पैसे दौड़ जा। लोग समझते हैं मैं बड़ा ज़हीन हूं अकलमंद हूं, देखो मैं अपनी होशियारी से चलाकी से आगे निकल गया, तो आजमाइश है ये, तो आजमाइश है रब करीम की तरफ से, ये तो उसकी खुफिया तदबीर है मेरे भाई। उसकी बारगाह नाज तक जो आ गया, आना तो हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं, फिर उसकी रहमत आगे बढ़ के इस्तकबाल कर लेती है, फिर अल्लाह का फजल उसको थाम लेता है उस बंदे को। और खुदा की रहमत कितनी ज्यादा है। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए। हुजूर फरमाते हैं एक हिस्सा अल्लाह ने दुनिया में नाजल किया है, कितना? एक हिस्सा। फरमाया ये जो माँ बेटे से प्यार करती है, बाप बेटे के लिए मजदूरी करता है, ये जो बहन भाई के लिए रोती है, ये जो बीवी शौहर के लिए दुआ मांगती है, ये जो बच्चे माँ बाप से प्यार करते हैं, फरमाया ये उस एक रहमत का नतीजा है, एक रहमत का नतीजा। तो सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह वो 99 किधर है? नबी पाक ने फरमाया रब करीम ने संभाली हुई है, कयामत के दिन तुम्हें अता फरमाएगा। अभी तो एक नाजल की है, अभी अल्लाह ने। एक बुजुर्ग थे हमें तफसीर पढ़ाया करते थे, तफसीर के उस्ताद थे। मैंने उनसे एक दिन कहा, मैंने कहा हजरत साहब कुछ बातों में ना मैं अड़ जाता हूं, मैं अपने आप को इतना लायक नहीं समझता, तो कहीं कहीं ना ज़ेहन उलझ जाता है, तो कभी उलझ जाता हूं। एक सवाल कई दिनों का है, उसूल तफसीर का मसला है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं बुजुर्ग कहते हैं जो किताबों से नहीं मिलती, सिर्फ सीनों से मिलती है। कोरस तो फकत लफ्ज ही सिखाते हैं, ये आदमी है जो आदमी बनाते। मैंने कहा साहब ये समझ नहीं आई, यहां भी साहब वहां भी साहब। कहने लगे जी किस तरह? मैंने कहा जी यहां कब्र में भी सवालों के जवाब और फिर कयामत में भी। मुझे कहने लगे जाओ इमाम राजी की तफसीर उठा के लाओ। मैं तफसीर उनके सामने ला के रखी, तो कहने लगे ये सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया जरा देखो तफसीर यूसुफ में। उसमें एक अजीब बात लिखी है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में कहत हो गया, तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि आप अल्लाह के नबी थे पहले से जान गए कहत होगा, तो हजरत यूसुफ ने गंदम पहले स्टॉक कर ली थी बहुत ज्यादा। बाकी इलाकों में जब कहत पड़ा ना, अब सब लोगों ने मिस्र की तरफ रुझान किया गंदम लेने के लिए। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना शहर के दरवाजे पर बंदे खड़े कर दिए, फरमाया जो बंदा आए ना उससे दो सवाल पूछना, जो आएंगे लोग गंदम खरीदने, जो आए दो सवाल पूछना, एक पूछना कहां से आया है और एक पूछना लेके क्या आया है, एक पूछना, समझ आ रही है बात की, और दूसरा पूछना कि लेके सोना लेके आया है, चांदी, गंदम खरीदनी है तो क्या चीज लेके आया है, कि नगद पैसे लाया है, ये पूछ लेना। जो आए दो बातें पूछना, एक पूछना कहां से आया है और दूसरा पूछना क्या। एक रवायत में तीन सवाल भी हैं, लेकिन फरमाया पूछना दो सवाल जरूर। इंतजार था ना भाइयों का, किनान से आने वालों का, फरमाने लगे सबसे दो सवाल पूछना, जब किनान वाले आए ना उनसे सिर्फ इतना पूछ लेना कि वो कहां से आए हैं। अगर पूछे ना किनान से आए हैं तो फिर ये ना पूछना क्या लेके आए हैं, फिर मैं जेब में खुद टटोल लूंगा वो क्या लेके आए। बाकियों से दो सवाल, जब मेरे भाई आए ना, भाई भाइयों दे वैरी हुंदे ते भाई भाइयों दियां बावां, जब मेरे भाई आए तो उनसे ये नहीं पूछना कि वो क्या, बस ये पूछना कि कहां से, इतनी बात पूछना बाकी मैं पूछ लूंगा। आप फरमाने लगे रब भी फरिश्तों से कहता है तुम कब्र में ना मेरे बंदों से ज्यादा सवाल ना करना, बस ये पूछ लेना मुझे मानते हैं, मेरे नबी को मानते हैं, कब्र में तुम इतने सवाल पूछ लेना, बाकी लेके क्या है वो मैं खुद ही पूछ लूंगा। फरिश्तों के सामने रब करीम अपने बंदे को बेआबरू करना, बस तू ये बता दे अल्लाह रसूल को मानता है कि नहीं, बाकी जो तेरा हिसाब किताब है ना अल्लाह फरमाते हैं मैं कयामत में कर लूंगा, मैं पूछ लूंगा इसका क्या इलाज करना है, बस तुम इतना बता दो मुझे मानते हो मेरे रसूल को।
मेरे भाई मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा तौबा करने वाला था, अल्लाह की बारगाह में आने वाला था, बार बार तौबा करता था, एहसास रहता था, उसे एहसास था, आया करता था, फिर भी गलतियां हो गई, कयामत के दिन रब करीम अपने फजल की चादर उस पर डालेगा, फजल की चादर डालेगा, और रब करीम उससे पूछेगा ये गुनाह किया था, और नबी पाक फरमाते हैं उसने बड़े भी गुनाह किए, अल्लाह छोटे छोटे गुनाहों के बारे में पूछेगा, ये गलती की थी, ये गुनाह, बंदा डर रहा है, वो कह रहा है पता नहीं सजा क्या मिलेगी, क्योंकि दुनिया में भी डरता रहा, यहां भी डर रहा है, शर्त यह है कि एहसास वाला हो, आता रहो, फिर भी गलतियां हो गई, ख्याल करता था, मेहनत करता था, नेक होने की जद्दोजहद करता था, कोताहियां रह गई, ये गुनाह किया था या अल्लाह भूल गया था, ये गुनाह किया अल्लाह मुझसे गलती हो, यहां भी किया था या अल्लाह गलती हो गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते छोटे छोटे गुनाह अल्लाह दिखा रहा है, और उसे कह रहा है ये किया था, ये किया था, मानता जा रहा है, रब करीम फरमाते पता है मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूं, टांगे कांप गई, या अल्लाह पता नहीं, फरमाया मैं तुझे इन गुनाहों के बदले नेकियां देने लगा हूं, इन गुनाहों के बदले नेकियां, नबी पाक फरमाते फटाफट ही बोल पड़ा, कहने लगा या अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े गुनाह भी किए, अगर तूने गुनाहों के बदले नेकियां दे दिया तो मेरे तो बड़े बड़े पाप भी हैं, वो दूसरे किधर है, तो मेरे हबीब करीम अलैहि सलातो सलाम फरमाते रब मुस्कुराएगा जो रब की शान के लायक है, अल्लाह फरमाएगा तेरे दिल में एहसास था, तू आया करता था, तू तौबा करता था, तू मेरी बारगाह नाज में आता था, पता तेरे ऊपर चादर क्यों डाली है या अल्लाह, नहीं फरमाया मैं तुझे अपनी रहमत की चादर में छुपा के जन्नत में दाखिल करना चाहता हूं, मेरे भाई तू आ तो सही, तू पहुंच तो सही, खुदा रा ये जो जितनी दुनियादारी है ना, ये तो आप हर वक्त करेंगे तो राजी होंगे लोग हर वक्त, और ये जो हमने प्लानिंग की हुई है ना कि मैं फलाना काम करके सियाणा हो जाऊंगा, तो इतनी मोहलत नहीं दी अल्लाह पाक ने, वो कहता फौरन आ, अपनी मंसूबा बंदी बदले, रहमत इलाही की जानिब तवज्जो करे, अपना जहन रब करीम के बारे में करम वाला बनाए, और ये इरादा करे कि मैं उसकी बारगाह में आऊंगा तो वो मुझे अता करेगा, अपने बाजू पे भरोसा ना करे, अपनी अकल पे भरोसा ना करे, भरोसा जब भी करे खुदा की रहमत पे करे, उसके फजल पे करे, उसके करम पे करे, और जहन बनाए कि अल्लाह माफ करने वाला है, हमारे जिम्मे ये है कि हम अपने गुनाहों का एहसास पैदा करें, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम तौबा सच्ची और खरी करें, हमारी ड्यूटी यह है कि हम अल्लाह की बारगाह में सही मानों में हाजिरी दें, हम तौबा भी झूठी करते हैं, बल्कि अगर मैं कहूं कि मजाक करते हैं, शबे बरात आने वाली है ना, किस दिन है, जुमेरात को शबे बरात आएगी, कुछ लोग तो खैर वैसे डट जाते हैं, कहते हैं हम नहीं मानते, वो पक्के लगे हुए हैं, वो कहते हैं नहीं इबादत नहीं करनी चाहिए, मैंने कहा यार बस करो छोड़ दो, अब अल्लाह की इबादत करने के लिए भी तुमसे सनद लेनी पड़ेगी कि मौली साहब इजाजत दे नफल पढ़ लें, इजाजत लेनी पड़ेगी, और बंदे बड़े समझदार हैं, वो कोई सियासी बंदा दूसरी पार्टी का आ जाए तो उसे मुतमिन कर लेते हैं, कुछ बसरा दूसरी जमात का मसला पूछ ले, कहते मौली जान पूछ के दसांगा, ये मोटी सी बात है, शबरात को क्या होता है, इबादत क्या होता है, बोल के बताए, यही होता है ना, तो इसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत है जी, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे सारी रात गुजार देते हैं या कयाम करते हुए या सजदा करते हुए, इसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत है, बड़ी जल्दी मसला पूछने आ जाते हैं लोग, हाँ एक वो है जो मानते ही नहीं सिरे से, एक वो है जो बड़ा जीव मानते हैं, वो कहते हैं शबरात है, छोटा गोश्त ही नहीं मिल रहा दुकान से, भाई शबरात गोश्त खाने का दिन है, हलवा खाने का दिन है शबे बरात, मौज करने का दिहाड़ा आ गया शबे बरात, शबरात आई है पहले किलो गोश्त आता था, अब 2 किलो ले लो, ये कौन सा तरीका है शबे बरात मनाने का, और फिर शबे बरात मनाई जाएगी, मेराज शरीफ से पटाखे चल रहे हैं रोज शाम को, चलते हैं ना, नहीं मैं क्यों, अरे मैनू गलती लगती तुसी बोले नहीं ना, चलते हैं पटाखे, कौन बेचता है पटाखे, हिंदू सिख यहूदी, चलाता कौन है, किसने कहा चलाने को, इसमें कोई कुछ किसी फिरके का भी इख्तलाफ नहीं होता, डरना चाहिए अल्लाह पाक से, अल्लाह जहन्नम की आग ठंडी करता है हम जलाते हैं शबरात को, रब फरमाता है ठंडी होगी हम जला रहे हैं, बच्चे पटाखों के पैसे पड़ोसी से लेके आते हैं कि हमसे लेते हैं, हम मना क्यों नहीं करते, जूते ना पॉलिश करने पर तो थप्पड़ लगते हैं, तो पटाखे वाले बच्चे को नहीं पूछा जा सकता, बाप की जिम्मेदारी है, और मुहद्दिसीन ने मसला लिखा है अगर बच्चा नाबालिग कोई गलती करता है तो उसका बाप जिम्मेदार है, जवाब दे उसकी जगह पर, उनको समझाए, शबे बरात आएगी फिर तौबा होगी, हर मस्से से रोने की आवाज आएगी, जोर जोर से लोग रोएंगे, तड़पेंगे, इज्तमात होंगे, बड़े बड़े इज्तमात होंगे, तौबा करेंगे लोग, करेंगे ना इंशाल्लाह ताला, आएंगे ना लोग मस्जिदों में, फिर सवेरे झूठ बंद हो जाएगा ना,
अगली सुबह मिलावट खत्म, कम तोलना खत्म। ये कैसी तौबा है? वो दुकानदार जो शबरात वाले दिन गलत सूजी फरोख्त कर रहा है, मिलावट वाली चीनी बेच रहा है, ताकि दवाइयों में धोखा देते हैं लोग, दवाइयों में धोखा देते हैं। एक डॉक्टर खुद मुझे कहने लगे, वो मेरे दोस्त हैं, हल्का फुल्का कोर्स किया हुआ है, कहते मेरे दोस्त हैं कई कई सारे लोग, तो एक ऐसा ही हमारे शोबे का आदमी था, तो अपने अब्बा जी को वो ड्रिप लगाने लगा, तो अब्बा जी कहने लगे पुत्र मिन्नू असली ला दे तेरी मेहरबानी, मिन्नू असली ला दे तेरी मेहरबानी, लोखा वाली ना ला दे। ये हाल हो गया दवा। मुझे बताएं वो कौम इखलाकी तौर पर कितनी गिर चुकी है जो दवाइयों में जहर बेचती है, दवाइयों में। और मैं इंशाल्लाह किसी मौके पर तफसील से इस पर गुफ्तगू करूंगा, बड़ी तफसील से। मैंने बहुत सी मालूमात इकट्ठी की है कि कितना जुल्म करते हैं ये लोग, लिखने वाले भी, लाने वाले भी, बेचने वाले भी, कितने बड़े मुजरम है। सेहत के साथ खेलते हैं, सेहत बार आलाम दाम बरसरे। मतलब जिस आदमी ने धोखे का माल ला के रखा है शबरात वाले दिन के, रात तौबा भी करनी है और सवेरे ये बेचना भी है, वो तौबा करने आया है। जिसने धोखे का माल ला के रखा है कि सवेरे बेचना है और रात तौबा भी करनी है, वो तौबा कर रहा है कि मजाक कर रहा है? तौबा मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह माफ कर दे, ऊंची ऊंची आवाज में रो रहा है और सवेरे सारे चक्कर वही है। ये कैसी तौबा है? तौबा क्या है? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों ने तौबा की तकसीम की। हजरत हसन बसरी से किसी ने पूछी तौबा क्या है, तो आपने फरमाया तौबा ये है कि जब तू तौबा कर ले तो फिर उस जगह नजर ना आना जहां खड़े होने से रब रसूल नाराज होते। और फरमाया तौबा ये है कि जब तूने तौबा कर ली फिर वहां से गैर हाजिर ना होना जहां हाजिरी का तुझे अल्लाह रसूल हुक्म देते, ये तेरी तौबा है। और अगर तू ऐसा नहीं करता फिर तूने तौबा नहीं की, फिर तूने मजाक किया। मेरे भाई रहमत इलाही आवाज देती है की तरफ रुजू करें, दौड़े और रहमत की उम्मीद रख के आएंगे। समझ ले कि अल्लाह पाक, मैं एक बात अक्सर करता हूं, नबुवत का दरवाजा बंद हुआ है। दाता गंज बख्श अली अजवेरी ने कहीं नहीं लिखा था कि मेरे बाद अली बिन उस्मान अजवेरी दूसरा नहीं आ सकता। हजरत मुजद्दद साहब कहीं नहीं लिख के गए कि दूसरा मुजद्दद अलफसानी पैदा नहीं होगा। हजरत बाहुल्लाह नक्शबंद बुखारी ने कहीं नहीं कहा कि मेरे जैसा अली नहीं हो सकता। बुजुर्गों ने कभी नहीं कहा, तू जदोजहद तो कर। इकबाल कहते हैं आज भी हो अगर इब्राहिम का इमाम पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। तू प्रोग्राम तो बना, आगे की तरफ तो सफर कर। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे आ जाने से तेरा रब राजी हो जाता है, जब तू आता है तो तेरा अल्लाह राजी हो जाता है। ये जो हमारी मुश्किलात होती है ना, जिनमें हम उलझे होते हैं, वो जो हमें जादू हो जाता है, तवीज कर देते हैं हमारे करीबी रिश्तेदार, वो तवीज नहीं होते, वो हमारे अमाल की सजा होती है, हमारे अमाल की सजा होती है। हम वो ढूंढते फिरते हैं कि बाबा मिल जाए, फूक मारे, सही कर दे, हालांकि वो हमारे अमाल की सजा है। हमें अपनी तरबियत करनी चाहिए हमें। और वैसे भी दम दुरूद तवीज धागा मैं अक्सर कहा करता हूं, मैं कहता हूं मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि कोई बंदा नबी पाक से यमन से दम कराने आया हो कि मैं हुजूर से दम कराने जा रहा हूं, मिस्र से आया हो दम कराने, शाम से दम कराने आया हो। मेरे नबी पाक के पास जो भी आया करता था नबी पाक का दीन सीखने आया करता था। दम दुरूद तो एक जिमनी चीज है, जिली चीज है, हो गया तो ठीक है, वरना अल्लाह पाक अगर बीमारी में राजी है तो नबी पाक ने खुद बीमारी को सीने से नहीं लगा के रखा, खुद अल्लाह के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशाल बीमारी के साथ हुआ, तो बीमारी तो मुरीद नहीं है मेरे नबी पाक की, वो तो कनीज है हुजूर के घर की। आम दाम बरसरे मतलब खरी तौबा, सच्ची तौबा। और किस तरह की तौबा? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन सहाबा से पूछा एक बात तो बताओ, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, या रसूल अल्लाह पूछिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई आदमी सहरा में सफर कर रहा हो, बहुत बड़ा सहरा हो, ऊंट पर उसका सफर हो और उसने ऊंट पर खाने पीने का सामान बांधा हो, पैसे भी रखे हो, पानी भी रखा हो, थक गया सफर करता करता, दरख्त की एक टहनी के साथ ऊंट की नकेल बांधी और दरख्त के नीचे लेट गया आराम करने के लिए, अल्लाह के हबीब फरमाते अचानक उसकी आंख लग गई, जब जागा तो उसने देखा कि ऊंट तो गायब हो गया है, अब ना खाना है ना पानी है ना पैसे हैं और सैराब बड़ा लंबा है, पैदल सफर भी नहीं कर सकता, थोड़ा सा ढूंढा फिर मौत का इंतजार करने लगा, सोचने लगा मौत आएगी अब मर जाऊंगा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं थोड़ी देर गुजरी, जब बिल्कुल मायूस हो गया था तो अचानक नजर पड़ी तो ऊंट उसका सामने खड़ा था। नबी पाक से आबाज पूछते हैं बताओ, उसकी कुल कायनात उजड़ गई थी, रास जाया हो गई थी, हर शह लुट गई थी, दोबारा उसे मिल गई है, बताओ उसे कितनी खुशी होगी। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह नई जिंदगी मिल गई उस बंदे को, वो सारी दुनिया से ज्यादा राजी है,
तो मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब करीम का नाफरमान बंदा जब उसकी बारगाह में आके तौबा करता है तो अल्लाह इससे भी ज्यादा राजी हो जाता है। नाफरमान जब आके कहता है या अल्लाह माफ कर दे, आइंदा नहीं करता मैं, अल्लाह तो राजी हो जाता है। और हबीब पाक अलैहि सलाम फरमाते हैं वो इतना करीम है, जब बंदा अपने रब से सुलह कर लेता है, तौबा कर लेता है, तो अल्लाह जमीन को कहता तू भूल जा मेरे बंदे ने गुनाह किया ही नहीं, आसमान से कहता तू भूल जा मेरे बंदे ने गुनाह किया ही नहीं। फिर रब करीम फरिश्तों से फरमाता है कि मिटा दो जो तुमने लिखा था, मैंने अपने बंदे के साथ सुलह कर लिया। शबे बरात को आएंगे मस्जिद में इंशाल्लाह कितने बजे? हाँ नहीं जो सोचिए ही नहीं है इस पास से, असर के वक्त मस्जिद आए शबे बरात कितने बजे जी? असर के वक्त आए, गुस्ल करें, मस्जिद आए, असर के बाद दुरूशी पढ़े और मगरब से लेकर फजर तक इबादत करें। मगरब में शाम शुरू हो जाती है, एक रात जाग के देखें, जागना पड़ता है, मरीज हो जाए तब भी जागना पड़ता है, दुख लग जाए तब भी वो जगा लेता है, बड़े बड़े जागते हैं, बड़े बड़े जाग लेते हैं, वो जगा लेता है, तंदुरुस्ती भी, सेहत भी, दौलत भी, एसी भी, पलंग भी बड़ा अच्छा, लेकिन अगर वो नींद ना देना चाहे तो बंदा सारी रात ही तड़प के जागता है, तड़प के, और भूखा इतना, रोटी का भूखा इतना परेशान नहीं होता जितना नींद का भूखा परेशान होता है, उलझ जाता है इंसान, वो जगा लेता है कबल इसके कि वो खुद जगाए, खुद ब खुद जाग जाए। मगरिब से लेकर फजर तक नमाज पढ़े, जिक्र करें, दुरूद पाक पढ़े, महफिल में शिरकत करें। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सय्यदना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, हुज़ूर रमजान के अलावा सबसे ज्यादा रोजे शाबान में रखते थे, गोया प्रैक्टिस होती थी रमजान की। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोजे क्यों रखते हैं, अभी रमजान तो आगे है। तो नबी पाक ने फरमाया, आयशा इस महीने में बंदे का अमल अल्लाह की बारगाह में जाता है, मैं चाहता हूं जब मेरा अमल जाए तो मैंने रोजा रखा हुआ, कसरत से रोजा रखे और मेरे भाई बदल जाए, बदल जाए। मेरे नबी पाक ने फरमाया, गनीमत जान, अगर सेहत है तो बीमारी आने से पहले गनीमत जान जा, ये चली जाएगी, बीमार आदमी से कुछ भी नहीं होता, गनीमत जान ले लम्हों को कुछ कर ले, और अगर तेरे पास फुर्सत है तो गनीमत जान ले मसरूफ होने से पहले पहले। मेरे हबीब करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिसाल दे के समझाया, मदीने में जो कबीला सबसे ज्यादा बकरियां पालता था वो बनू कल्ब का कबीला था, और फरमाते इतनी बकरियां थी कि उनकी बकरियां हमने कभी नहीं गिनी थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है, ये तिर्मिजी का लफ्ज है, फरमाया जब शाबान की 15वीं रात आती है तो बनू कल्ब के कबीले की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक अल्लाह मेरी उम्मत के अफराद की बख्शिश फरमा देता है। और सहाबा कहते हैं हमें लगता यूं है कि चूंकि हमने जो चीज सबसे ज्यादा देखी थी वो बनू कल्ब की बकरियां थी, इसलिए नबी पाक ने हमें समझाने के लिए उनकी बात की, वरना अगर हमने उससे ज्यादा कुछ है देखी होती तो नबी पाक उसका नाम बयान फरमाते। हमें समझाने के लिए फरमाया बनू कल्ब के कबीले की बकरियों के बालों की, था किसी एक बकरी के बाल भी बंदा गिन सकता? और हुजूर ने फरमाया जो सबसे ज्यादा बकरियां पालते उनकी तादाद के मुताबिक, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला ना फरमाती है, जन्नतुल बकी में हुजूर जाया करते, कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान के कोने में अल्लाह के रसूल को मैंने नमाज पढ़ते भी देखा 15वीं रात को, और फरमाती है हुजूर बकी वालों के लिए बख्शिश की दुआ भी करते, कब्रिस्तान भी जाएं शबे बरात को, उनके लिए दुआ भी करें। और फिर मेरे भाई शबे बरात को लिल्लाहियत के साथ आए, लौटने का प्रोग्राम बनाए, उससे कबल कबल के रब करीम खुद जकड़ के ले आए, खुद ब खुद आए, उसके करम की तरफ तवज्जो करें, उसकी रहमत की तरफ तवज्जो करें। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आए, मौला अली शेर खुदा फरमाते मैं भी हाजिर था, कहते कभी कभी सादे बंदे आते थे पर बड़ी अजीब ही बात कर जाते थे। कहते एक देहाती आए, तामत बांधी हुई और सादा सा रुमाल कंधे पे रखा हुआ है, नबी पाक के पास आए और हुजूर से दिल लगी करने लगे, हुजूर से दिल लगी करने लगे, मीठी बातें कहने लगे, यार सुल्ला एक मसला पूछने आया हूं। फरमाया पूछो। अर्ज करते हैं हुजूर कयामत में हिसाब कौन लेगा? कयामत में अब किसको नहीं पता कौन हिसाब लेगा, दिल लगी की बात है ना, कौन लेगा? नबी पाक ने फरमाया अल्लाह हिसाब लेगा। तो कहते उसने ना और जुमला कहा तो हम उसकी बात पे हैरान हो गए, कहने लगे या रसूलल्लाह वाकई अल्लाह हिसाब लेगा? तो कहते नबी पाक मुस्कुराए, फरमाने लगे तुझे तेरी मार होए, मैं साची तो कह रहा हूं,
तो किस तरह की बात कर रहा है, अल्लाह ही साहब लेगा। हजरत अली फरमाते हैं उसने रुमाल उठाया, कंधे पे रखा, कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर रब ही साहब लेगा तो फिर उसने माफ ही कर देना है। ये कह के वो चला गया, ये लफ्ज कह के वो चला गया। तो हजरत मौला अली कहते मैंने हुजूर का चेहरा देखा तो गुलाब से भी ज्यादा खिला हुआ था, मैंने नबी पाक का चेहरा देखा तो चांद से भी ज्यादा रोशन था। मैंने कहा हुजूर ये क्या कह गया है? नबी पाक ने फरमाया बंदा बड़ा सादा था, बात बड़ी प्यारी कर गया है, बड़ी प्यारी कर गया है। हुजूर ने फरमाया अली रब करीम है और करीम जब गालिब होता है तो करम ही फरमाया करता है, वो करम ही करता है, वो माफ ही करता है, वो माफ ही करता है। अल्लाह माफ करता है, पर मैंने कहा कोई माफी लेने आए ही ना, तो कोई माफी लेने। एक और बात भी आखिर में समझानी है आपको, वो भी समझ ले। हम जब किसी रिश्तेदार को राजी करने जाते हैं ना, नाराज हो, तो हमें पता चल जाता है कि ये वक्त चपाने आया या राजी हो गया। दो किस्म के लोग होते हैं, कहते हैं चलो बरादरी आ गई है मैं चलता हूं, पर किस तरह, टाइम पे टाइम आऊंगा, 200 दे के घर आ जाऊंगा। और जो राजी हो जाते हैं ना, वो दो दिन पहले आते हैं, देगों का भी ख्याल करते हैं, मुलाकात करते हैं, वो कपड़े भी नहीं बदलते। फर्क होता है राजी होने में। बात की समझ आ रही है आप? हम तौबा करने आते हैं अल्लाह की बारगाह में, क्या हमें पता नहीं चलता कि हमने तौबा किया, रब राजी हुआ कि नहीं हुआ? हमारा ईमानी रिश्ता तो है ना अपने रब से, रूह का ताल्लुक तो है ना, तो हमें अंदाजा होता है कि अल्लाह राजी हो गया कि नहीं, अंदाजा तो होना चाहिए ना हमें। ये बात कहने की नहीं, ये बात महसूस करने की है, इसको महसूस करें। हम जब अल्लाह की बारगाह में आए ना आए, तो फिर हमें अंदाजा होना चाहिए कि मैंने मना लिया है कि नहीं मना सका, मैं उसको राजी करके उठ रहा हूं कि नहीं उठ रहा। अगर बगैर राजी किए उठे हो तो फिर फॉर्मेलिटी करने आए थे, फिर राजी करने, फिर राजी करने नहीं आए थे। हजरत फुजैल इब्ने अय्याज रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, एक दिन मैंने सर सजदे में रखा और मैंने कहा खुदा बंदा आज मुझे पता चलेगा कि तू मुझसे राजी है कि नाराज है, तो फिर भी मैं फिर ही उठूंगा। आप फरमाते हैं मुझे चारों कोनों से आवाज आने लगी कि तेरा रब राजी हो गया। और फरमाते हैं जिस जगह मैं सजदा कर रहा था वो जमीन भी बोलने लगी कि बस कर दे, अर्श का मालिक तुझे राजी हो गया है। लेकिन शर्त ये है, हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं सूद का कारोबार करता था तौबा करने से पहले। कई दफा मैंने तौबा की थी लेकिन मेरी उस तौबा के अंदर सदाकत नहीं होती थी, मेरा दिल भी गवाही देता था कि ये ना, बहुत सारे बंदे कहते हैं आइंदा नहीं करता, वक्त टपाते हैं, जिस तरह बंदों को धोखा देते हैं इस तरह माज अल्लाह तौबा भी इसी तरह की करते हैं, लेकिन बाद में दोबारा उसी डगर पर चल निकलते हैं जिसमें पहले होते हैं। आप फरमाते हैं मैं कई दफा तौबा करता था तो तोड़ देता था। आज मैंने तौबा की, किस तरह की? सूद का मैं धंधा करता था तो मैं सूद के पैसे लाया, गोश्त पकने को दिया बीवी को सूद के पैसों का, मेरी बीवी ने हंडिया चढ़ाई, थोड़ी देर गुजरी तो वो सारा गोश्त खून बन गया। मेरी बीवी उठा के लाई, कहने लगी ले जाइए, जो तू गरीबों का खून नचोड़ के लाया था ना, ये खून बन गया, खुद भी पी और औलाद को भी पिलाओ। कहते मैंने सच्ची तौबा का फैसला किया, आज मैंने, पहले मैं सच्ची तौबा का इरादा नहीं कर, आज सच्ची तौबा का फैसला किया और मैं निकला। हजरत हसन बसरी के पास गया, उनकी बैत हुआ, तौबा की, उन्होंने मुझे अमाल बताए, खरी तौबा की। कहते जब तौबा के लिए घर से निकला तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा कहने लगा पीछे हट जाओ बहुत बड़ा सूदिया है, इसका साया भी पड़ गया तो हमारे अंदर नहुसत आ जाएगी, पीछे हट जाओ सूद का धंधा करता है। कहते मुझे और चोट लगी कि या अल्लाह तेरी छोटी छोटी मखलूक भी ये समझती है। कहते मैं तौबा करने गया तो खरी तौबा करके आया, हजरत हसन बसरी के पास रो रो के तौबा की। मैं वहां से वापस आया तो बच्चे अभी खेल रहे थे, कहते वो बच्चा जो पहले बोला था कि पीछे हट जाओ बड़ा सूद वाला है नहुसत पड़ जाएगी, वो बच्चा फिर आवाज देके कहने लगा दोस्तों पीछे हट जाओ, रब करीम का वली आ रहा है, अल्लाह का बंदा आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो हमारे पैरों से गर्द रुड़े और इस वली के ऊपर पड़े और इसकी तोहीन हो जाए, अल्लाह हमसे नाराज ना हो जाए वली की तोहीन करके, पीछे हट जाओ। आप फरमाते हैं मैंने तड़प के आसमान की तरफ देखा और मैंने कहा या अल्लाह मुझे समझ आ गई है कि खरी तौबा क्या होती है, सच्ची तौबा, असल तौबा क्या होती है, झूठ मूठ की तौबा ना करें। शबे बरात को आए, और बड़ा दयानतदारी का मशवरा देता हूं, दिल को संभाल के आए, अगर झूठ नहीं छोड़ना, फरेब नहीं छोड़ना, हमने मस्जिद की हाजिरी की पाबंदी नहीं करनी तो फिर तौबा के लफ्ज पुकारना धोखा है, फिर ये धोखा है, फिर ये मजाक है, फिर मजाक ना करें। आना है तो खरी तौबा के इरादे से आए, खुल के आए। इंशाल्लाह हर साल हम भी सारी रात यहाँ बैठते हैं, आपसे भी गुजारिश करेंगे कि छुट्टी ना करें, वक्त पे आए, मगरिब में आए, नवाफल अदा करें, ईशा के बाद नवाफल पढ़े। महफल करने का मकसद ये होता है कि तिलावत से दिल नरम होता है,
नाच से दिल नरम होता है, तकरीर से इंसान की सोच बदलती है, तौबा की तरफ जाती है। ये सारे काम करके जब बंदा इस्तिगफार करता है, तौबा करता है, तो उसके लिए आसान हो जाता है, ज़हन बन जाता है। इसलिए वाज भी होगा, जिक्र भी होगा, दुआ भी होगी, वक्त को जाया ना करें। रमजान करीब आने वाला है। बुजुर्ग कहते हैं अगर शबे बरात पे सच्ची तौबा कर लोगे तो फिर रमजान में जो नेकियां करोगे वो तुम्हारे पास स्टॉक बन जाएगा, वो तुम्हारे पास खजाना इकट्ठा हो जाएगा। तौबा अभी से कर लो, मामला अभी से समेट लो, ताकि जब रमजान आए तो फिर नेकियां खजाना बन के जमा हो। हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।